अब का जो व्यू है आपको बहुत ही देखने में मजा आएगा, क्योंकि इसके कलर जो है वो बहुत ही बेहतरीन लग रहे हैं। Alright, so hi everyone, my name is Satvik and welcome back to my channel. तो आज के इस व्लॉग में हम जा रहे हैं सीधा नायग्रा फॉल्स, और बहुत ही अचानक से प्लान बना है, तो इसके बारे में बाद में बात करते हैं। तो अभी लेट हो रहे हैं, तो लेट्स बिगिन द जर्नी। तो नायग्रा फॉल्स की बात यह है कि यहाँ पे रात को भी लोग देखने आते हैं और स्पेशली दिन में भी देखने आते हैं, तो हमने कुछ इस हिसाब से प्लान किया कि हम रात को भी देख सकें और दूसरे दिन हम दिन में भी यहाँ पे देख के जाएं। ये जो साइड है वो अमेरिका वाली साइड है, और ये जो फॉल्स है इसको हॉर्स शू फॉल्स बोलते हैं, क्योंकि इसका जो शेप है वो एक हॉर्स शू जैसा है। और यहाँ से सामने जो आप देख रहे हैं वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो फिलहाल तो अभी हमें होटल में चेक इन करना है, तो कौन सी होटल में जाते हैं वो देखते हैं और उसकी रूम टूर भी करेंगे। तो अब जैसे इस जगह का पार्किंग है, वहाँ पे हमें कार रखनी थी क्योंकि अब जाना है हमें घूमने के लिए, तो ऐसे पार्किंग के जो स्लिप्स आती है वो यहाँ से कलेक्ट करनी है, पे करना है आपको, और उसके साथ में जो आपको स्लिप मिलती है वो आपको आपकी गाड़ी के डैशबोर्ड के ऊपर रख देनी है, ताकि उनको पता चले कि ये एक वैलिड स्लिप लेके बैठे हैं। तो ये कल रात तक यहाँ हम आ सकते कभी भी। सो होटल पे तो अभी पार्किंग की फ़ीस दे दी है, लेकिन अब स्ट्रीट एक्सप्लोर करने के लिए एक और जगह पे पार्किंग फ़ीस दी है। मेरा रिप्लीज बिलीव इट और नॉट, और ये उसका ऑडिटोरियम है और उसका डिज़ाइनिंग भी काफ़ी यूनिक है। तो यहाँ पे पीछे है विजर्ड्स गोल्फ और यहाँ पे है डायनासोर एडवेंचर गोल्फ। ऑलराइट, तो अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ, यहाँ पे एक फ़िल्म का शूटिंग हुआ था, शाहिद कपूर की फ़िल्म है किस्मत कनेक्शन, उसमें से एक सॉन्ग है वो इसी एरिया में शूट हुआ था। आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे ये जो कैनेडियन मिडवे है वो एक सॉन्ग के बैकग्राउंड में था। तो बेसिकली बस यहाँ पे इसका शूटिंग हुआ था, नायग्रा फॉल्स में भी हुआ था बाखुदा सॉन्ग का। ऑलराइट, तो अब हम जा रहे हैं स्ट्रीट्स एक्सप्लोर करने के लिए सचिन भैया के साथ, और हे गाइस, मिहिर भी है, और ये आए हैं स्पेशली ब्रैम्पटन से यहाँ पे हमें ये सब सिटी एक्सप्लोर कराने के लिए। और हमारी फैमिली के साथ इनका रिलेशन एटलीस्ट 15-20 इयर्स, मोर देन 20 इयर्स का है। तो बेसिकली ये है कि मैं यहाँ पे 15 साल से भी ज़्यादा यहाँ पे मैं हूँ कैनेडा में, एंड आई एम फ्रॉम जामनगर, सेम सिटी। तो सात्विक जो है उनके दादाजी जो हैं उनके म्यूज़िक ग्रुप में, जब मैं व्हेन आई वाज 15 इयर्स ओल्ड उन्होंने मुझे चांस दिया था कि भाई यू नो आप तबला प्ले कर रहे हैं, आई वाज तबला प्लेयर, और वहाँ पे मैंने बहुत सारे शोज़ किए उनके साथ, और फिर मैं यहाँ पे आ गया 2006 में। तो
आज सात्विक के साथ जो यहाँ पे घूमने का जो पूरा जो प्लान बनाया है नायग्रा फॉल्स पे, आई एम सो हैप्पी कि सात्विक के साथ मैं यहाँ पे हूँ और इतनी पुरानी जो दोस्ती है इनके दादाजी के साथ, तो आज ये जो है थर्ड जनरेशन इज़ विथ मी एज ए क्लासिकल तबला प्लेयर। मैंने भी यहाँ पे बहुत ही एक्सप्लोर किया हुआ है पूरे कैनेडा में, सो आई एम सो हैप्पी हियर। और आप सब लोगों के लिए मेरा ये मैसेज है कि कैनेडा आएँ, कैनेडा घूमें, कैनेडा में रहें, आप बी पॉजिटिव, दिस इज़ रियली नाइस कंट्री और बहुत ही अच्छा कंट्री है, और स्पेशली नायग्रा फॉल्स ऐसी जगह है कि आप जब भी आते हैं, आप थके हुए हैं, डिप्रेशन में हैं, कुछ भी है, तो आप जब नायग्रा फॉल्स आते हैं तो आपका पूरा मूड चेंज हो जाता है। तो अभी बस हम यहाँ पे खाने की जगह ढूंढ रहे थे और हमने एक पब्लिक पियानो देखा, वैसे तो टूटा फूटा हुआ है, लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि सचिन भैया टूटे हुए पियानो में भी कैसे एक मेलोडियस सॉन्ग बनाते हैं। सो लेट्स सी। क्या बात है, क्या बात है, बढ़िया बढ़िया। सम कीज आर नॉट वर्किंग बट नहीं, तो भी बहुत में कई चीजें होती है, मिसिंग होती है, या उनके बगैर चलाना पड़ता है। ऐसे ही हमने ये रोड पे पियानो था विदाउट जो सम नोट्स थी वो मिसिंग थी, लेकिन आपके प्यार के लिए हमने बजा। तो आज हमने ये देखा कि देयर वुड बी सम कीज, सम ब्यूटीफुल नोट्स मिसिंग फ्रॉम योर लाइफ, बट दैट डजंट स्टॉप यू फ्रॉम मेकिंग अ गुड रिदम। सो नाउ इवन आई एम गिविंग इट अ ट्राई, so let's see how it goes. So, Jagjit Singh ka song to nahi tha, but Airtel ki jo bhi ye mere se rhythm bani wo maine aapke samne bajayi. So perhaps kabhi kisi din mujhe mauka mila to riyaz karke isse bhi aur behtar karne ki koshish karenge, and I'm sure my dad would have loved this kyunki wo bahut acha ye jo keyboard hai usko play karte hain. So he'll be very proud and he'll be very happy ke jo bhi choti si Airtel ki ringtone banayi, lekin banayi sir. All right, तो अब हम यहाँ पे होटल में पहुँच गए हिल्टन इन में, और पीछे जो आपको दिख रहा है वो नायग्रा फॉल्स व्यू रिसोर्ट रेस्टोरेंट है, यहाँ पे कसिनो है, बट अब तो सब बंद हो गया है बिकॉज ऑफ कोविड, बट होपफुली जल्दी सब खुल जाएगा। सो नाउ लेट्स गो इनसाइड द होटल एंड हैव अ रूम टूर।
तो अभी यहाँ पे हम नायग्रा फॉल्स के बिल्कुल सामने मिले केवल को, और केवल मेरे साथ, हम छोटे हैं तब से स्कूल में था। हेलो गाइस। हाय। और आई थिंक 8th स्टैंडर्ड से, हाँ 8th स्टैंडर्ड से हम एक दूसरे को जानते हैं। कुछ दिन पहले बात भी हो रही थी कि मैं थंडर बे जाऊँ, बट लंदन से थंडर बे काफ़ी लंबा टाइम हो रहा था, तो बाई चांस यहाँ पे मिल गए कोइंसिडेंटली, और बहुत खुशी हो रही है इसको मिलके। सो अब देखेंगे वहाँ पे नायग्रा फॉल्स ड्यूरिंग द डे, और ये यहाँ से जा रहे आगे अपनी आइल्स देने के लिए। सो उनको ऑल द बेस्ट भी विश कर देंगे। सो सी यू गाइस सून। ऑलराइट, तो अभी आप जैसे देख सकते हैं बिल्कुल ही फॉल्स के सामने, और यहाँ पे मेरे पीछे जो भी यहाँ की सबसे प्रोमिनेंट होटल्स है, मैरियट हो गई, हिल्टन हो गई, ये सारी आपको यहाँ से दिखेगी, और वन ऑफ देम इज़ ऑल्सो नोन फॉर इट्स कसिनो। तो बेसिकली आप यहाँ पे जब आते हैं तो इट्स ऑलवेज प्रेफर्ड कि आप इन्हीं में से कोई एक होटल में आपका स्टे बुक करवाएं, और हो सके तो यहाँ की कोई नियर बाई मोटेल को प्रेफर ना करके आप इन्हीं में से कहीं पे रूम करवा सकते हैं। अब यहाँ पे एकदम क्लोज व्यू से देखेंगे नायग्रा फॉल्स को। ये यहाँ का वेलकम सेंटर है, यहाँ पे शॉपिंग होती है, डाइनिंग होती है, और अट्रैक्शंस की बुकिंग होती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो अब जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक वेलकम सेंटर है, तो ये बस वैसी एक जगह है जहाँ पे अंदर कैफ़े भी है, जैसा आप पीछे देख सकते हैं, और मेपल सिरप्स और ऐसी सारी चीज़ें भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा कपड़े भी हैं यहाँ पे, तो ऐसी मर्चेंडाइज शॉप है। तो जर्नी बिहाइंड द फॉल्स की टिकट यहाँ से आपको मिलती है, तो अब जाके देखते हैं पहले। ऑलराइट, तो जर्नी बिहाइंड द फॉल्स की टिकट हमें मिली $15 में, विच इज़ चिल्ड्रन के रेट पे, और इसका रीज़न ये है कि वन ऑफ दोज टनल्स इज़ नॉट ओपन। और यहाँ पे आके मुझे देखो, अभी मैं इतने 12 या 1 बजे यहाँ पे आया हूँ, सो द प्रॉब्लम इज़ कि यहाँ पे 6:40 PM से पहले मुझे कोई भी टिकट नहीं मिल रही है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपने एडवांस में बुकिंग करा लिया हो, या फिर आप यहाँ पे बहुत ही जल्दी आके एक अच्छा सा टाइम स्लॉट आप अपने लिए रिजर्व करवा दें। तो बेसिकली ये यहाँ से इंक्लाइन रेलवे है, और ये इसका मेन पार्किंग है। यहाँ पे आर्ली रेट पे भी आपको मिल जाएगा $10 में, और मैक्सिमम पार्किंग जो होता है उसका, वो भी आपको मिल जाएगा $30 में। कार को साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पे गैस स्टेशंस कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे कार वॉश तो होता ही है, लेकिन ऐसे वैक्यूम मशीन्स भी होते हैं जहाँ पे आपको $2.5 उनको दे देना है, आइदर बाई कॉइन्स और बाई टैपिंग। तो $2.5 में 5 मिनट के लिए वैक्यूम आप यूज़ कर सकते हैं, एंड यू कैन जस्ट क्विकली क्लीन योर कार। तो हमें बाहर से भी अब कार वॉश करनी है, और यहाँ पे गैस इसलिए पहले फिल करा रहे हैं क्योंकि अगर अलग से कार वॉश लेते हैं तो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है, अगर दोनों को साथ में लेते हैं तो गैस भी फिल हो जाता है और आपको कार वॉश भी कंपैरेटिवली बहुत अफोर्डेबल रेट पे मिल जाता है।
ऑलराइट, तो कुछ ग्लिम्पसेस जो आपने आफ्टरनून में देखे थे वो उस टाइम की उस लाइटिंग की थी, लेकिन अब एक आइडियल लाइटिंग में हम आए यहाँ पे, और वो इसलिए आए क्योंकि जो मैंने आपको दिखाया था 6:40 की हमारी टिकट है, तो उसके पहले हम लंच करके, कार वॉश करके, गैस भर के फिर वापस यहाँ पे आ गए, और अब का जो व्यू है आपको बहुत ही देखने में मज़ा आएगा क्योंकि इसके कलर्स जो है वो बहुत ही बेहतरीन लग रहे हैं। ऑलराइट, तो अभी आपने देखा कि यहाँ पे निकोला टेस्ला के ऑनर में एक छोटा सा मेमोरियल है, लेकिन ये यहाँ पे क्यों है? तो बेसिकली यहाँ पे जो सबसे पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट उसने इन्वेंट किया था, जो सेटअप किया था, वो यहाँ पे इंस्टॉल किया था, एंड दैट वाज द फर्स्ट विक्ट्री ऑफ हिज अल्टरनेटिंग करंट ओवर थॉमस एल्वा एडिसन डायरेक्ट करंट। और सबसे पहला यहाँ से जो ट्रांसमिशन हुआ था इलेक्ट्रिसिटी का, वो बफेलो में हुआ था। तो ये जो राइड है उसको मेड ऑफ द मिस्ट बोलते हैं। फिलहाल जो आप देख रहे हैं वो अमेरिकन बोट है, और कनाडा ने अभी भी ये शुरू नहीं किया है बिकॉज ऑफ द पैंडमिक, बट यहाँ पे ये लोग आपको फॉल्स के काफ़ी नज़दीक तक ले जाते हैं, और एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होता है इसका। तो जो कोई भी आपको यहाँ पे नायग्रा लेके आता है या जब भी आप नायग्रा आते हैं तो ये राइड अटेंड करना आपके लिए रिकमेंडेड है। और अब आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे हल्का सा रेनबो बनता हुआ दिखेगा बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन। आई डोंट नो कितना क्लियर है वीडियो में, लेकिन यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन तरीके से रेनबो दिख रहा है। ऑलराइट, तो हमारा टाइम हो गया है जर्नी बिहाइंड द फॉल्स का, सो लेट्स गो अहेड नाउ। तो ये अभी बंद है और यहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप चाहे उतना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ऑलराइट, तो कल रात को बहुत ही लेट वापस आए थे और 4-5 घंटे की नींद के बाद सुबह मेरी 7 बजे से लेकर के 3 बजे की शिफ्ट थी, तो वीडियो एडिट नहीं कर पाया मैं, और होपफुली आज रात तक मैं आप लोगों तक ये वीडियो पहुंचा दूं। एंड आई रियली होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, और
आई होप कि आप जल्दी से जल्दी यहाँ पे आके अपनी पढ़ाई शुरू कर सकें। थैंक यू सो मच। अभी हमारे साथ यहाँ पे एक अमेरिका के सिटीज़न है, ये अभी अभी सामने से यहाँ पे बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं। वैसे मेरी लैंग्वेज शायद समझ नहीं रहे। मैं वा मो शिंदे इरु नानी समझ रहे नहीं समझ रहे। बहुत खुशी हो रही है इसको मिलके। मैं स्माइल तो बहुत कम करता हूँ इसलिए ऐसा लगेगा नहीं कि बहुत खुशी हो रही है, लेकिन हो रही है। तक कल आने का और बारिश।